हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने आपको चार्ट के कंपोनेंट्स बताए थे। एक एक्स एक्सिस होती है जिसको हम कैटेगरी एक्सिस कहते हैं, वाई एक्सिस को हम वैल्यू एक्सिस कहते हैं, और इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम ग्रिड लाइंस कहते हैं। चार्ट का टाइटल, चार्ट का नाम होता है। लेजेंड होते हैं जो कलर डिसाइड करते हैं कि कौन सा कलर किस चीज़ के लिए है, ओके। और इनके नेम होते हैं एक्स वाई एक्सिस के, जो इनको हम उनके टाइटल कहते हैं, टाइटल ऑफ एक्स एक्सिस, टाइटल ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है। और जितनी जगह में ये चार्ट ड्रॉ किया गया है इसको प्लॉट एरिया कहते हैं, और जो पूरी जगह है टोटल एरिया ऑफ द चार्ट इसको हम चार्ट एरिया कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें बता दी गई थी आपको। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हमने फन एक्टिविटी मिलेगी हमें। इस फन एक्टिविटी को आपको कंप्लीट करना है पेंसिल से और इसको चेक करना है, ठीक है। अब नीचे बात आती है टाइप्स ऑफ चार्ट की। तो चार्ट कई तरह के होते हैं। एमएस एक्सेल हैज़ वेरियस टाइप्स ऑफ चार्ट। यू कैन यूज डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट टू रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा। अब डाटा किस तरह का, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसी तरीके का चार्ट होना चाहिए, है ना। अगर डाटा परसेंटेज में है तो आपको पाई चार्ट लगाना पड़ता है। अगर डाटा बिल्कुल नॉर्मल है तो आप उसमें कॉलम चार्ट भी लगा सकते हैं, जिसको हम बार चार्ट भी कहते हैं, ओके। डिपेंडिंग अपॉन द यूटिलिटी ऑफ द चार्ट इट हैज़ टू बी डिसाइडेड फर्स्ट विच टाइप ऑफ चार्ट इज मोर सुइटेबल। चार्ट इंसर्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा चार्ट यहाँ पे सही लगेगा, कौन सा लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। द डाटा इन द वर्कशीट सोन इज यूज टू क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट। तो देखिए इस पिक्चर में कुछ डाटा लिखा हुआ है और इसमें चार्ट को क्रिएट करना है, ठीक है। तो इसमें मार्क्स लिखे हुए हैं स्टूडेंट्स के, ओके। तो कल हम आपको बताएंगे कि एमएस एक्सेल में चार्ट कैसे क्रिएट करेंगे। आज का आपका होमवर्क है फन एक्टिविटी कंप्लीट करना है और इसको चेक करना है, ठीक है। तो इसके आगे हम कल डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ चार्ट मैंने बता दिया, कई तरह के चार्ट होते हैं, और कल वन बाई वन सबको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।